हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार आपका मेरी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि बीकॉम सेम फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 1। आज हम ये लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। दोस्तों, फिर से एक और बार बता देता हूँ, बीकॉम सेम फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है 1। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक की बीकॉम सेम फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर 1। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर का वन नाम है सेवा पड़तर। ये आपको दिख रहा होगा, सेवा पड़तर। आज इसके बारे में हम जानेंगे। दाखला नंबर है 12 और पेज नंबर है 41। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये कुछ रकम दी हुई है, ये रकम आपको दिख रही होगी। गुजरात ट्रांसपोर्ट कंपनी 5 टन शक्तिशाली एक ट्रक ने लगती माहिती नीचे मुजब छे, मतलब ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन रकम दी हुई है और यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है। ट्रक 50 किलोमीटर अंदर अवेला बे शहर वे माल ने हेरफेर करे छे। दररोज ની 2 રાઉન્ડ ટ્રીપ કરવામાં આવે છે, જેથી વખતે ટ્રકની પૂર્ણ ક્ષમતા જેટલું નૂર મળે છે, જ્યારે વળતી વખતે ક્ષમતાની 60% જેટલું નૂર મળે છે। ટ્રક મહિનાના સરેરાશ 25 દિવસ ચાલે છે એમ ધારીને ટન કિલોમીટરની વળતર શોધો। તો યે કુછ રકમ થી આ ઇસકે સામને મેં આપકો ઇસકા આન્સર ભી દિખા દેતા હું કે યે કેસે આયેગા। तो दोस्तों, ये इसका आंसर है, यहाँ पर दिख रहा होगा चैप्टर 1 सेवा पड़तर और पेज नंबर 41 और दाखला नंबर 12। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रक की कीमत। सबसे पहले हमें को यहाँ पर दी हुई है ट्रक का अंदाजित आयुष्य, ट्रक ना भंगार कीमत, ये यहाँ पर हमें दी हुई है। तो जब भी आप दाखला स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको ये तीन चीज़ जो आपको दिख रही है, ट्रकनी मूल कीमत, ट्रकनी अंदाजित आयुष्य और ट्रकनी आयुष्य भंगार कीमत, ये तीन चीज़ को आपको छोड़कर नीचे दिख रहा होगा ड्राइवर नो पगार। ये आपको दिख रहा है ड्राइवर नो पगार और इसका जो कीमत दी हुई है ये मासिक 2500 मासिक दी हुई है। दोस्तों, ड्राइवर नो पगार मासिक 2500। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसा कोष्टक बना लीजिए, विगत कुल रकम और किलोमीटर दित। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है अ करके स्थिर खर्चा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्थिर खर्चा। स्थिर खर्चा के बाद सबसे पहले हम दाखला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से ड्राइवर का पगार लिखा हुआ है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ड्राइवर नो पगार है 2500 है मासिक, ड्राइवर नो पगार तो हमने यहाँ पर लिख लिया ड्राइवर नो पगार, ये आपको दिख रहा होगा। इसके सामने हमने ये 2500 लिख लिया। इसके बाद हमें दिया हुआ है क्लीनर नो पगार, ये आपको दिख रहा होगा क्लीनर नो पगार, ये मासिक दिया हुआ है हमें 1500। तो हम इसे ये वाले टेबल में आके, आंसर के टेबल में आके हम यहाँ से इसे क्लीनर नो पगार ये 1500 हम यहाँ से लिख लेते हैं। इसके बाद हमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वीमो, ये ईयरली हमें दिया हुआ है। तो
हम इसे मंथली करना होगा। ये वीमो आपको दिख रहा होगा, 6,000, 6,000 आपको वीमो दिखा होगा, और ये भी वार्षिक है, तो हमें इसे मंथली करना है। तो सिंपल से हमें ये कोष्टक में जाते हैं, और ये वीमो वीमो 6,000 का था, तो 6,000 भाग्या 12, मतलब 12 मंथ होते हैं एक ईयर में, तो हम 6,000 भाग्या 12, तो आपके सामने ये 500 आ जाएगा। 6,000 भाग्या 12 करोगे तो ये 500 आ जाएगा। तो हम यहाँ इसे कुल रकम में 500 लिख लेते हैं। इसके बाद बीमा के बाद हमें दिखा हुआ है यहाँ पर रोड टैक्स। रोड टैक्स ये कितना दिया हुआ है, ये भी ईयरली हमें दिया हुआ है 3,000, तो इसे भी हमें मंथली करना होगा। रोड टैक्स 3,000 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3,000 भाग्या 12 कर लेते हैं हम इसे, तो हमारे सामने ये 25 आंसर आ जाएगा। अगर आप भी मेरे साथ करने लगोगे, आप एक नोट और पेन लेकर आप मेरे साथ नोट डाउन करने लगोगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रोड टैक्स के बाद है सुपरविजन खर्च। सुपरविजन खर्च ये भी है हमारा ईयरली, तो सुपरविजन खर्च ईयरली 4,800 दिया हुआ है, तो 4,800 भाग्या 12 करते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारे सामने ये 400 आ जाएगा। ठीक है, ये स्थिर खर्च थे। अब इसके नीचे हमें ये डीजल, ऑयल और ये समारकाम खर्च, ये दो हमारा चालू खर्च है, और ये जितने ऊपर के ये ट्रक लेके ये ऊपर जितने भी दिख रहे हैं, ये सब हमारे स्थिर खर्च थे। अब है डीजल, ऑयल ये कितना दिया हुआ है, लीटर 10 रुपये, तो इसके लिए डीजल ये चलित खर्च है हमारा, ये चलित खर्च, तो इसके हम यहाँ पर चलित खर्च लिख लेते हैं, और इसके नीचे हम इसे लिख लेते हैं डीजल। डीजल के बारे में कुछ आपको ये नोंद है, डीजल ये आपको दिख रही होगी डीजल, तो ये इसकी दिख रहा होगा 50 किलोमीटर, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये रकम में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रक 50 किलोमीटर ना अंतर है, मतलब 50 किलोमीटर हमारा ट्रक चलता है, 2 शहरों वच्चे मालनी हेर फेर करे छे दररोजनी 2 राउंड ट्रिप, 50 किलोमीटर चलता है और दररोज की 2 राउंड ट्रिप, मतलब ये कुल 4 ट्रिप हुई, 2 आने की और 2 जाने की। राउंड ट्रिप मतलब 1 जाने की 1 आने की, ये एक हुई, और दूसरी राउंड ट्रिप मतलब दूसरी बार जाने का और दूसरी बार आने का, तो ये हमारे कुल 4 बार हुआ કરવામાં આવે છે। ફિર યહાં પર દિયા હોય જતી વખતે ટ્રકની પૂર્ણ ક્ષમતા જેટલું નૂર મળે છે, યહાં પર લિખા હુઆ પૂર્ણ ક્ષમતા જેટલું નૂર મળે છે, મતલબ જબ હમ જાતે હૈ ટ્રક લેકે, મતલબ જહાં ભી હમે માલ પહોંચાના હૈ વહાં હમ જાતે હૈ, તો પૂરા પૂરા માલ લગેજ મતલબ પૂરા પૂરા ફૂલ હોતા હૈ ટ્રક, તો યહાં પર લિખા હુઆ પૂર્ણ ક્ષમતા જેટલું નૂર મળે છે, તો હમે યહાં પર 100% લેના હૈ, ઓર ઇસકે બાદ જ્યારે વર્તી વખતે, યે આપકો લિખા હૈ વર્તી વખતે, વર્તી વખતે ક્ષમતાના 60% જેટલું, મતલબ જબ વાપિસ આતે સમય હમે 60% જેટલું નૂર મળે છે। ટ્રક મહિનામાં સરેરાશ 25 દિવસ, મહિને મેં 25 દિન ટ્રક હમારા ચલતા હૈ, તો હમે ટન કિંમત પડતર હમે ઢૂંઢની હૈ, તો સબસે પહેલે ફિર સે એક ઓર બાર મેં આપકો બતા દેતા હું, 50 કિલોમીટર હમારા ટ્રક ચલતા હૈ, 2 રાઉન્ડ ટ્રીપ મતલબ 2 જાને કી ઓર 2 આને કી, તો કુલ હમારી 4 હુઈ, ઓર જાતે સમય ટ્રકની પૂર્ણ ક્ષમતા જેટલું નૂર મળે છે, મતલબ પૂરા પૂરા 100% હમે લેના હૈ, ઓર આતે વખત હમે યહાં પર 60% લેના હૈ, તો મેં આપકો દિખા દેતા હું ડીઝલ કે બારે મેં, યે 50 કિલોમીટર હમારા ટ્રક ચલતા હૈ, 50 કિલોમીટર યે જાતે વખત કી મેં ગિનતી કર રહા હું, યે આપકો દિખ રહા હોગા યે જાતે વખત ઓર યે આતે વખત, યહાં પર 2 આપકો દિખ રહા હોગા, 50 કિલોમીટર જતા અને 50 કિલોમીટર આવતા, તો સબસે પહેલે મેં આપકો 50 કિલોમીટર જતા કે બારે મેં બતા દેતા હું, કે 50 કિલોમીટર જબ હમ જાતે હૈ તો 2 ટ્રીપ, પહેલા ભી યહાં યે લિખા હુઆ હૈ 2 ટ્રીપ, ઓર કિતને દિન ચલતી હૈ, 25 દિન હમારી ટ્રક ચલતી હૈ, તો 50 ઇન્ટુ
टू इंटू 25, तो यहाँ पर हमारा 2500। और दूसरा है, जब आते वक्त हम 50 किलोमीटर प्लस दो ट्रिप और 25 दिन, मतलब ये भी हमारा होगा 2500। दोनों का हम यहाँ पर टोटल करते हैं तो ये हमारा 5000 होता है। तो हमारे डीजल खर्च ये हमारा 5000 हो गया। ये 5000 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा डीजल खर्च के बाद समारकम खर्च। यहाँ पर हमें मासिक दिया हुआ है 1100। अगर मासिक दिया है हमें तो वैसा के वैसा ही हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, समारकम खर्च 1100। ये आपको ये समारकम खर्च दिख रहा होगा, समारकम खर्च, और ये 1100, ठीक है दोस्तों। अब हमें ये सब तो जो भी जितना भी ये कोष्टक में दिया था हमें, वो सब हमने यहाँ पर लिख लिया है। और इसके बाद एक और पॉइंट हमें यहाँ पर ऐड करना है, घसारो। ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, घसारो का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। घसारो मतलब ये इसका कुछ सिंपल से एक फॉर्मेट सा है कि 5 लाख। घसारो ढूंढने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रक की कीमत कितनी है हमारी, 5 लाख। ये ट्रक की कीमत हमारी कितनी है, 5 लाख। उसमें से हमें माइनस करनी है ट्रक की भंगार कीमत, ये कीमत हमें माइनस करनी है। ट्रक की भंगार कीमत यहाँ पर दी हुई है, ट्रक की भंगार कीमत दी हुई है हमें 10%। 10% ये आपको दी हुई है, ट्रक की कीमत ना 10%। तो 5 लाख के 10% ये हमें माइनस करने हैं। ये घसारों के लिए फॉर्मेट है कि 5 लाख जो हमारी कीमत थी ट्रक की, उसमें से 10% भंगार कीमत, मतलब 5 लाख के 10% हम यहाँ पर करेंगे तो 50,000। 50,000 भाग्या हमें ये 10 वर्ष, 10 वर्ष जो आपको आयुष्य दिख रहा होगा, 10 वर्ष आयुष्य, अंदाजित आयुष्य, ये इसको हम भागाकार में लेंगे 10 वर्ष, तो ये 10। तो 5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो 4500 आएगा। 5 लाख में से हम यहाँ पर 50,000 माइनस करेंगे तो 4,50,000 आएगा। 4,50,000 भाग्या 10, मतलब हमारा ये 45,000 ईयरली आएगा। तो हमको इसे मंथली करना है, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 45,000 भाग्या 12। तो इसे करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है 35,500। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं घसारो, ये आपको दिखता होगा घसारो 350, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमें जितने भी स्थिर खर्च दिए होगा ये सब का हमें यहाँ से इसे टोटल करके यहाँ पर लिखना है, 51,500। ये सब का हमने टोटल किया तो कुल स्थिर खर्च हमारा आया 51,500। और हमें कुल चलित खर्चा, मतलब ये जितने भी दिया हुआ है इसका सब का कुल चलित खर्चा हमें यहाँ पर लिखना है, कुल चलित खर्चा। इसके बाद ये ए है और ये बी है, इसमें से ए माइनस बी करके हमें यहाँ पर हमें स्थिर खर्च प्लस चलित खर्चा, ये दोनों खर्च हमें यहाँ से इसे प्लस करने हैं, 51,500 प्लस 98,500। तो हमारा ये आंसर आएगा 15,000। टोटल हमारा आंसर आता है 15,000, ठीक है। इसके बाद हमें किलोमीटर दीत गिनती करनी है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ किलोमीटर दीत। तो ये देखिए यहाँ पर कुल किलोमीटर हमारा कितना होता है, 50 किलोमीटर जाता और 50 किलोमीटर आता, दो राउंड ट्रिप होती है हमारी, 50 किलोमीटर जाता, दो राउंड ट्रिप, और कुल कितने दिन चलते हैं, 25 दिन हमारा ट्रक चलता है। इसके बाद ये 5 टन हमारा, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी 5 टन शक्तिशाली ट्रक, तो हमें यहाँ से इसे 5 टन आपको दिखता होगा। इसके बाद ये 100 टका, मतलब
ये लिखा हुआ है जदी वखते ट्रक नी पूर्ण क्षमता जेटलू नूर मळे छे, जदी वखते पूर्ण क्षमता जेटलू 100% नूर मळे छे। नूर मळे एटले के नूर एटले माल, 100% माल मळे छे। तो हमने यहाँ पर इसे 100% लिख लिया जदी वखत, ये जाने के टाइम का है। और आते टाइम हमारा 50 किलोमीटर ट्रक चलता है, 2 राउंड ट्रिप होती है और 25 दिन होते हैं। और 5 टन कीमत है, 5 टन शक्तिशाली मतलब ट्रक है 5 टन का। और जति वक्त 60%, ये 60% ये लिखा हुआ है। वो अड़ती वक्त है क्षमता 60% जितलू नूर मरे से। तो हम यहाँ से 60% बराबर ये दोनों का आया, और जता वक्त का हमारा 12,500 और आते वक्त 60% का हमें 1,500, दोनों का मिला के हमें यहाँ पर 20,000 मिला। तो 20,000 मिला हुआ है हमें, तो 51,50 ये हमें स्थिर खर्च जो भी मिला, 51,50 भाग गया 20,000 आप करोगे तो ये हमारा ये आंसर आएगा, किलोमीटर दीत कुल स्थिर खर्चा। ये कुल स्थिर खर्चा है, ये हमें किलोमीटर दीत मिलेगा। ये 5150 भाग्य 20,000 आप करोगे तो किलोमीटर दीत मिल जाएगा आपको। इसके बाद इसमें भी ऐसा ही करना है हमें, ये 5,000 जो आपको दिया हुआ है, 5,000 ये डीजल खर्च है, 5,000 भाग्य 20,000 करोगे आप तो ये आपको 0.25 मिलेगा। 1,100 दिया हुआ है, 1,100 भाग्य 20,000 तो किलोमीटर दी थी 0.55। ऐसे आप करते जाओगे तो 15,000 भाग्य 20,000 करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 0.75। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था आज का इस टॉपिक, कि आपका ये आंसर आ चुका है 15,000 और 0.75। अगर आप देखना चाहते हैं इसका आंसर तो आपकी चौपड़ी में दाखला नंबर है 12, पेज नंबर है 41, आप यहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले समय में मैं और भी बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी ये जान सके सीख सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।